माया देवी मंदिर में जेपी नड्डा सबसे पहले हरिद्वार की कुल देवी कही जाने वाली माया देवी के दर्शन करेंगे। इसके बाद संतों से आशीर्वाद लेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या है नड्डा के संतों से मुलाकात के मायने, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरिद्वार में कार्यक्रम है जहां वो पहले रोड शो करेंगे, साथ ही संतों के साथ उनकी मुलाकात होगी। किस तरह से संतों के साथ मुलाकात रहने वाली है और क्या उसमें विशेष रहेगा, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र पुरी जी, और उनसे ही बात करेंगे किस तरह से संतों का आशीर्वाद आज जेपी नड्डा जी को मिलेगा। देखिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जितने भी हम संत महात्मा है सब यहाँ जूना अखाड़े में एकत्रित हो गए हैं और सभी ने ये मन बनाया है इस बार जो हमारे उत्तराखंड की पांचों सीटें हैं वो सब भाजपा की झोली में डालनी है और नड्डा जी को आशीर्वाद देना है। जो हमारे प्रत्याशी पांचों प्रत्याशी है सबको आशीर्वाद देना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, जितने भी हमारे स्नातनीय जितने भी हमारे महात्मा सबका जो मत हमें चाहिए और सभी जो है सभी की इच्छा है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार और प्रधानमंत्री। तो एक तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं आज जेपी नड्डा जी के माध्यम से संतों का आशीर्वाद मोदी जी को मिलने वाला है। देखिए आपने देखा होगा जो भी पार्टी सनातन पे काज करती है जितने भी संत महात्मा जितने स्नातनी सभी उसी को आशीर्वाद देते हैं। जो सनातन पे काज नहीं करती उसको कभी भी जो हम लोग आशीर्वाद नहीं देंगे। जो राम पे काम करेगा जो महाकाल पे काम करेगा जो सनातन पे काज करेगा सब उसी को आशीर्वाद देंगे। जिस तरह से रोड शो के बाद पहले यहाँ पर संतों से मुलाकात करेंगे, मंच पर किस तरह से व्यवस्था रहेगी? मंच में हमारे जितने भी अखाड़ों के पदाधिकारी है सभी पदाधिकारी यहाँ जाएंगे और सबसे वार्ता होगी, मंच में उद्बोधन होगा और सभी से बात हो जाएगी। बस यही आज का कार्यक्रम है। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो बता रहे थे किस तरह से जेपी नड्डा का कार्यक्रम हरिद्वार में रहेगा और संतों का उनको आशीर्वाद मिलेगा। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार।